जिले के सभी राजस्व उप निरीक्षक 11 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिन से अनिश्चितकालीन के हड़ताल पर है। सोमवार को भी इन्होंने झंडा मैदान में धरना प्रदर्शन दिया। बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व इनकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला था, जिसमें सरकार की तरफ से समझौता हुआ था कि 3 कार्य दिवस के अंदर 2400 ग्रेड पे देने की सहमति बनी थी, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। इसी को लेकर गिरिडीह के सभी राजस्व उप निरीक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उप निरीक्षकों के हड़ताल पर जाने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र बनाने का काम बाधित हो रहा है, खासकर जातिवासी आय बनाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन गिरिडीह सहित पूरे राज्य के 2400 जिले में राजस्व निरीक्षकों का 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल निर्बाध रूप से जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य सरकार हमारी मांगों के समर्थन में अधिसूचना जारी नहीं करती है। अमर किशोर सिन्हा, राज्य अध्यक्ष, झारखंड उप निरीक्षक संघ, रांची।